उपलक्ष्य पे हम यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में टूरिज्म डे मना रहे हैं, जिसमें कि छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अध्यापकों ने भी उनका अच्छे से मार्गदर्शन किया। आज इस उपलक्ष्य में सभी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया और जितने भी हमारे इवेंट्स हुए, जैसे कि हमारा रंगोली कंपटीशन हुआ, उसके बाद हमारा कैप्शन राइटिंग हुआ या फिर कोलाज मेकिंग हुआ या क्विज कंपटीशन हुआ, उसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ करके भाग लिया। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो आप इसके महत्व को समझें और टूरिज्म डे को आगे भी इसके महत्व को जानते हुए इस दिवस को बढ़ चढ़ के मनाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सहयोगियों का कि उन्होंने आज के दिन को मनाने में हमारा बहुत सहयोग दिया, धन्यवाद। पर्यटन पिछले कुछ समय से, मुझे लगता है पिछले 1.5-2 सालों से पर्यटन एवं यात्रा इन शब्दों को तो हम भूल ही गए, ऐसा प्रतीत होने लग गया था कि अब विश्व भर में ना यात्रा हुआ करेगी ना पर्यटन हुआ करेगी। लेकिन भले ही कोरोना जैसी आधियाँ आ गई, भले ही इससे बड़े बड़े व्याधियाँ आ गई, लेकिन फिर भी मानवता ने करके दिखाया कि दुनिया हमेशा चलती है और दुनिया हमेशा चलती रहेगी। जो पर्यटन है, यात्रा है, ये कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ इस वक्त सोलन विश्वविद्यालय, सोलन महाविद्यालय में वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस 2021 को मनाने की शुरुआत की, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के इवेंट्स या कार्यक्रम को रखा, जैसे रंगोली, जैसे कोलाज मेकिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, उसके अलावा मॉडल मेकिंग का भी एक इसमें कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद इसमें हमने क्विज कॉम्पिटिशन को करवाया और बहुत ही सफल आयोजन हमने उस पर करवाया। उसके साथ साथ अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज में, कल्चरल प्रोग्राम्स में, डांसेस में, सॉन्ग्स में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मानो ये प्रतीत हो रहा था कि 1.5-2 साल बाद एक नई जीवंतता का अनुभव हम सबको हो रहा है। तो इसी जीवंतता को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए और ये इसी मनोकामनाओं के साथ हम ये सर्वप्रथम तो सभी को, सभी अपने सहयोगियों को, सभी अपने स्टाफ मेंबर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को, सभी ऑडियंसेस को एवं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं और यही कामना करते हैं कि इस तरह के आयोजन बार बार होते रहें और मानवता की जीत हमेशा ऐसी व्याधियों पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी वर्ल्ड डे। आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया। जैसे कि आज वर्ल्ड टूरिज्म मनाया जा रहा है, लास्ट टाइम ये वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑनलाइन मनाया गया था ड्यू टू कोविड, जो कोरोना वायरस आया था, और उसको देखते हुए आज बच्चों की मांग भी ये थी कि नहीं, बच्चे कह रहे थे हमें बार बार कि सर ये ऑफलाइन मोड पे होना चाहिए, और ये ऑफलाइन मोड में हुआ, संपन्न हुआ, और जो बच्चे थे और जो टीचर्स थे उन्होंने यहाँ पर कोरोना का जो एक नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, वो पूरी तरह फॉलो किया है। और मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये कुछ बना नहीं सर।